वर्ल्ड कप 2022 में अगर हम बात करें यहाँ पर तो स्ट्राइक बॉलर्स की जो 16 टीमें खेल रही है उनके स्ट्राइक बॉलर्स कौन कौन से रहने वाले हैं, जिनके ऊपर विकेट्स लेने की जिम्मेदारी होगी और जिनके ऊपर कहीं ना कहीं पूरी टीम की बॉलिंग डिपार्टमेंट को लीड करने की एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होगी। वो किसी भी फेस में आ सकते हैं, शायद वो शुरू के फेस में आए या मिड फेस में या फिर एंड फेस में, लेकिन प्राइम स्ट्राइक बॉलर्स जो T20 वर्ल्ड कप 2022 में सारे टीम्स के होने वाले हैं वो कौन कौन से होंगे जो डेल क्रिकेट के हिसाब से लगता है, वो हम अपना विजन आपके सामने प्रेजेंट कर रहे हैं। कल ICC ने अपना विजन इसको लेकर रखा था, आज डेल क्रिकेट आपके सामने रख रहा है कि हमारे स्ट्राइक बॉलर्स हमें जो लगता है कौन कौन से हो सकते हैं T20 वर्ल्ड कप में सारी टीम्स की। पहली टीम कौन सी पिक कर रहे हैं आप उनके स्ट्राइक बॉलर? बिल्कुल, अफगानिस्तान को अगर पिक करें सबसे पहले तो अफगानिस्तान के जो स्ट्राइक बॉलर जो आपने चूज किए हैं, पहले राशिद खान। जी हाँ, राशिद खान जिन्होंने इस साल 15 विकेट लिए हैं और 6.40 की उनकी इकोनॉमी रही है इस साल, अच्छा करा है, बहुत अच्छे बॉलर तो हैं ही वो, लेकिन उम्मीद करेंगे वर्ल्ड कप में अच्छा परफॉर्मेंस करें। वहीं दूसरा नाम मुजीबुर रहमान, उन्हीं के साथ ही जो पावर प्ले में काफ़ी इफेक्टिव रहते हैं, 13 विकेट उन्होंने इस साल निकाले हैं और जिसमें कि 6.26 उनकी इकोनॉमी है इस साल अगर देखी जाए। बिल्कुल, तो अफगानिस्तान के लिए विकेट्स निकालने हो या फिर इकॉनमी या फिर रनों पर कुछ लगाना हो, दोनों की जिम्मेदारी राशिद और मुजीब पे बनी रहेगी। एंड अगली टीम की बात करें, बिल्कुल अगली टीम की बात करें तो यहाँ पर हम आयरलैंड को चलिए ले लेते हैं। जी आयरलैंड की बात करें, जोशुआ लिटिल 19 मैचेस में 28 विकेट इस साल ले चुके हैं और 7.8 की उनकी इकोनॉमी है इस साल, काफ़ी अच्छा उनका परफॉर्मेंस हुआ है इस साल अगर देखा जाए, 28 विकेट अंडर 8 की इकोनॉमी। वहीं मार्क अडेर 21 विकेट इस साल निकाले हैं उन्होंने अपने आयरलैंड की तरफ से, 21 विकेट निकाले हैं जिसमें उनकी इकोनॉमी 8.5 की रही है। बिल्कुल, तो आयरलैंड के लिए कहीं ना कहीं ये इन दोनों के ऊपर काफ़ी जिम्मेदारी रहने वाली है कि विकेट्स निकाल कर दें क्रूशियल मोमेंट्स पे और बॉल डिपार्टमेंट को लीड करें। उसके बाद टीम नंबर 3, बिल्कुल इंडिया की। जी हाँ, इंडिया टीम की बात करें तो यहाँ भुवनेश्वर कुमार जो कि 32 विकेट इस साल निकाल चुके हैं और लिस्ट में वो टॉप 2 में भी मौजूद हैं इस साल, बहुत अच्छी बॉलिंग करा रहे हैं और 7.2 की उनकी इकोनॉमी रही है, वाकई कमाल की है। वहीं पर अर्शदीप सिंह यहाँ हमारी तरफ से दूसरा नाम होंगे जिन्होंने इसी साल डेब्यू किया, इसी साल एशिया का खेला, 19 विकेट इस साल उन्होंने निकाले हैं और 8.1 की उनकी इकोनॉमी। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं देखना होगा कि दोनों बॉलर्स किस तरह से करते हैं, लेकिन स्ट्राइक बॉलर्स है इंडिया के लिए, लीड इन्हीं को करना होगा, अगर नहीं कर पाए तो डेफिनेटली डिसअपॉइंटमेंट रिजल्ट जो है वो एशिया कप जैसे ही इंडिया को भुगतने पड़ेंगे इस वर्ल्ड कप में भी। टीम नंबर 4, बिल्कुल टीम नंबर 4 की बात करें तो स्कॉटलैंड। जी हाँ, स्कॉटलैंड जिन्होंने सिर्फ 2 T20I खेले हैं इस साल, लेकिन वहां पर भी बॉलर जरूर है, मार्क वाट सबसे प्राइम बॉलर है जो काफी T20 खेल चुके हैं फ्रेंचाइज की तरफ से, एक मैच वो दो मैचेस उन्होंने यहाँ खेले हैं इस साल, एक ही विकेट निकाला है, इकोनॉमी भी 9.8 की रही है, तो इस इंटरनेशनली में 2 मैच खाली खेले हैं पर T20 में वो थोड़े खेल चुके हैं, काफ़ी मैचेस वो खेले हैं। वहीं दूसरे बॉलर साफियान शरीफ होंगे हमारी तरफ से स्ट्राइक में, वो अच्छा ज़रूर करेंगे उम्मीद है, लेकिन मैचेस उन्हें इस साल इतने नहीं खेले हैं ना ही उन्हें इतने मिले हैं, एक ही मैच खेला है जिसमें 12 की इकोनॉमी रही थी न्यूजीलैंड के खिलाफ पहले T20I जो हुआ था। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं इस जो स्टार्ट आपने देखे इसके साथ बिल्कुल मत जाइए क्योंकि स्कॉटलैंड के लिए बहुत ही प्राइम बॉलर रही है, इस साल मैच ही नहीं खेले हैं स्कॉटलैंड T20I में, इसीलिए कुछ स्टार्ट निकल कर आए नहीं है। उसके बाद बिल्कुल ऑस्ट्रेलिया, जी हाँ चैंपियन 2021 वर्ल्ड कप की जॉस हेजलवुड पहले बॉलर होंगे, स्ट्राइक बॉलर जो ऑस्ट्रेलिया के लिए बहुत मायने होगा उनका इस वर्ल्ड कप में, पिच भी बहुत सपोर्टिव है, 20 विकेट उन्होंने इस साल निकाले हैं और 6.7 की उनकी इकोनॉमी रही है, वाकई शानदार है। एडम जाम्पा दूसरे स्ट्राइक बॉलर होंगे जिन्होंने 10 विकेट अपनी टीम के लिए इस साल निकाले हैं और 7.4 की उनकी इकोनॉमी रही है, काफ़ी सपोर्टिव रहे, ब्रेक थ्रोस काफ़ी दिलाए हैं। बिल्कुल, बहुत दमदार रहेगा ऑस्ट्रेलिया का डिफेंडिंग चैंपियन, है देखना है कि इस साल क्या करते हैं। टीम नंबर 6, बिल्कुल वेस्टइंडीज। जी हाँ, वेस्टइंडीज की टीम की बात करें तो कुछ अच्छा तो चल नहीं रहा है फिलहाल वेस्टइंडीज की टीम में, लेकिन स्ट्राइक बॉलर की बात करें तो अल्जारिस जोसेफ जो कि बहुत अच्छा इंप्रेसिव परफॉर्मेंस कर रहे हैं टेस्ट में भी, वनडे में भी और T20I में भी काफी अच्छा उनका मार्क रहा है, 10 विकेट इस साल उन्होंने निकाले हैं, 7.7 की इकोनॉमी उनकी इस साल रही है। वहीं पर अगले बॉलर जो है जैसन होल्डर, जी हाँ 23 विकेट वो निकाल चुके हैं इस साल, एज पर्सनली मुझे भी हैरानी हुई थी जब ये मैंने देखा, बहुत अच्छा उनको परफॉर्म रहा है, 8.8 की उनकी इस साल इकोनॉमी रही है। बिल्कुल, तो यहाँ पर बात हो गई वेस्ट इंडीज की, अब बढ़ते हैं कहीं ना कहीं टीम नंबर 7 की तरफ कि उनके स्ट्राइक बॉलर्स कौन कौन से रहने वाले हैं इस वर्ल्ड कप। बिल्कुल, और टीम नंबर 7 की बात करें तो साउथ अफ्रीका। जी हाँ, साउथ अफ्रीका से KG यानी कि
रेंसो रबाडा तो जरूर होंगे, पिच जिस तरीके की है अगर यहाँ से वो फायदा नहीं उठा पाए तो बहुत बड़ा सेटबैक होगा साउथ अफ्रीका के लिए। 5 विकेट निकाले हैं उन्होंने इस साल और 7.7 की उनकी इकोनॉमी रही है, बहुत ही थोड़ी ज़्यादा ही है लेकिन विकेट काफ़ी कम है मैचेस के मुकाबले, काफ़ी कम विकेट है। वहीं पर तबरेज़ शम्स जी हाँ, जिन्होंने 12 विकेट इस साल निकाले हैं और 9.3 की उनकी इकोनॉमी है। लास्ट ईयर उनका बहुत अच्छा गया था, इस साल उनका इतना अच्छा नहीं गया है लेकिन चलिए ठीक है, लेकिन स्ट्राइक में वो जरूर बिल्कुल, और वो एंड इकोनॉमी से ही पता चल रहा है कि इसी हफ्ता अच्छा बिल्कुल भी नहीं गया है। जो आप स्टैट्स देख रहे हैं ये सारे के सारे इस साल 2022 के स्टैट्स हैं। खैर अगली टीम नंबर 8 की बात करें, बिल्कुल नामीबिया, जी हाँ टीम नंबर 8 नामीबिया की बात करें तो यहाँ से यान फ्राइलिंग स्ट्राइक बॉलर होंगे नंबर 1, जो 7 विकेट निकाल चुके हैं 7.5 की इकोनॉमी के साथ, उन्होंने इस साल विकेट निकाले हैं। वहीं पर सेकंड बॉलर रूबेन ट्रम्पलमैन जो कि 2 विकेट उन्होंने सिर्फ निकाले हैं लेकिन इकोनॉमी बहुत इंप्रेसिव रही है 5.4 की, और ये बता दें ये सबसे बेस्ट इकोनॉमी है इस जितने भी लिस्ट में बॉलर्स हैं उनमें से सबसे बेस्ट। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं अपने आप में ऐड करते हैं कि वो रन खर्च नहीं करते स्ट्राइक बॉलर के साथ साथ और विकेट भी वो निकालेंगे, इस बात की पूरी उम्मीद जरूर नजर आती है। अगली टीम, बिल्कुल अगली टीम की बात करें तो न्यूजीलैंड यहाँ अगली टीम हो जाती है, जी हाँ जिसपे ट्रेंट बोल्ट जो उनके बिना तो न्यूजीलैंड अभी फिलहाल थोड़ी सी अधूरी दिखती है बड़े इवेंट में, और 4 विकेट उन्होंने निकाले हैं इस साल 6.55 की इकोनॉमी के साथ। वहीं पर उनके एक और साथी की बात करें तो ईस्ट सोरी, जी हाँ बहुत अच्छा साल उनके लिए जा रहा है, 19 विकेट इस साल वो निकाल चुके हैं, 7.9 की उनकी इकोनॉमी रही। बिल्कुल, तो न्यूजीलैंड के लिए इंदौर में दारोमदार बहुत ज्यादा रहने वाला है। आपको एक चीज और बता दें कि अभी जो ऑनगोइंग बांग्लादेश का जो मैच हुआ बांग्लादेश वर्सेस न्यूजीलैंद, उस मैच के स्टैट्स में जुड़े हुए नहीं है बांग्लादेश न्यूजीलैंड मैच, क्योंकि वो बहुत ही रिसेंट मैच अभी चल रहे हैं। उसके बाद टीम नंबर 10, बिल्कुल जिम्बाब्वे, जी हाँ टीम नंबर 10 की बात करें तो जिम्बाब्वे जहाँ ब्रेजिल मुजरबानी जरूर होंगे टीम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, विकेट का फायदा उठाना होगा, 5 विकेट इस साल वो निकाल चुके हैं, 7.9 की इकोनॉमी है। थोड़ा सा और अपने आप को उठाने की जरूरत है, परफॉर्मेंस को उठाने की जरूरत है, सिकंदर रजा होंगे बॉलिंग में, उनके ऊपर जिम्मेदारी बिल्कुल कोई नहीं है बॉलर में, जिम्बाब्वे की जो लाइनअप है बॉलिंग की वो थोड़ी सी खोखली नजर आ रही है, काम करना होगा लेकिन अब कब करना होगा टाइम आ ही गया है। 15 विकेट सिकंदर रजा ने इस साल निकाले हैं और 5.9 की उनकी इकोनॉमी रही है, बहुत अच्छी रही है, उम्मीद करेंगे कि इस वर्ल्ड कप में वो इसी से परफॉर्म करें और जिम्बाब्वे को आगे बढ़ाए। बिल्कुल, चलिए अब अगली टीम की तरफ बढ़ते हैं जो कि है टीम नंबर 11, तो उनके परफॉर्मेंस और स्ट्राइक बॉलर्स कौन कौन से रहने वाले हैं इस वर्ल्ड कप। बिल्कुल, उनके एज यूजुअल लास्ट ईयर की तरह यहाँ पर भी हमें सेम देखने को मिलेगा, वरुण हसरंगा 19 विकेट इस साल वो निकाल चुके हैं 8.1 की इकोनॉमी के साथ। वहीं पर उनके साथी महेश दीक्षाना जो एकदम सेम जैसा मुजीबुर रहमान काम करते हैं पावर प्ले में, वो यही है पावर प्ले में आते हैं और 13 विकेट वो निकाल चुके हैं, ये पावर प्ले की नहीं है ये ओवरऑल इस साल के विकेट है 6.7 की इकोनॉमी के साथ। बिल्कुल, तो हसरंगा और महेश दीक्षाना बहुत बड़े की रोल और स्ट्राइक साबित हो सकते हैं बॉलिंग डिपार्टमेंट में श्रीलंका के लिए, और उनको करना भी होगा अगर श्रीलंका को अपना एशिया कप वाला परफॉर्मेंस यहाँ पर दोहराना है। टीम नंबर 12, बिल्कुल इंग्लैंड, जी हाँ इंग्लैंड की बात करें तो यहाँ पर उन्होंने उनके स्ट्राइक बॉलर को देखे तो मार्क वुड आउटस्टैंडिंग वो कर रहे हैं इस बार पाकिस्तान की सीरीज में भी, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ भी बहुत जबरदस्त 9 विकेट निकाल चुके हैं अब तक इस साल और 3 मैचेस ही खेले हैं मात्र सिर्फ उन्होंने, और यहाँ पर उनकी इकोनॉमी 6.5 की है, बहुत इंप्रेसिव जरूर है, बहुत अच्छी इतनी स्पीड से वो डालते हैं तो कुछ ऑपरेंट भी देखना होगा, 3 मैच खेले एक ऑस्ट्रेलिया 2 पाकिस्तान, बिल्कुल बिल्कुल सही, तो यहाँ पर बहुत कुछ अच्छा है उनके, इंग्लैंड के पास काफी कुछ बॉलिंग ऑप्शन जरूर है। और रीस टॉपले जो 16 विकेट इस साल निकाल चुके हैं, काफी अच्छा उनका परफॉर्मेंस रहा था इंडिया के खिलाफ, उन्होंने 6 विकेट आई थिंक निकाले थे लेकिन वो वनडे में थे शायद, जी माफ कीजिएगा, लेकिन T20I में काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस रहा है, 7.7 की उनकी इकोनॉमी रही है और उम्मीद करेंगे ये 2 बॉलर इस वर्ल्ड कप में इंग्लैंड के लिए चले। बिल्कुल, उसके बाद अगली टीम की बात करें तो अगली टीम के स्ट्राइक बॉलर्स के बारे में बताएं आपको कि वो कौन से होने वाले हैं उनकी टीम की। बिल्कुल पाकिस्तान, जी हाँ वन ऑफ द बेस्ट बॉलिंग लाइनअप होगी उनकी इस वर्ल्ड कप में, कोई दोहराए नहीं है, शाहिद अफरीदी रिटर्न हो रहे हैं और एक ही मैच खेला है उन्होंने इस साल, 2 विकेट निकाले हैं, उसके बाद वो रिहैब में चले गए, उनका फिटनेस प्रॉब्लम हुआ लेकिन उम्मीद है वो वापसी करेंगे, 5 की उनकी इकोनॉमी रही है। लेकिन हारिस रऊफ को हमें नहीं भूलना है, जबरदस्त वो यहीं से उठे हैं, यहीं से टीम में आए हैं, कैसे आए हैं सब पता है, बिग बैश लीग खेल के उन्हें पाकिस्तान में कॉल अप मिला, टीम में उन्हें मौका मिला, 7 विकेट उन्होंने इस साल निकाले हैं और इकोनॉमी थोड़ी सी रही है उनकी 8 की तकरीबन इकोनॉमी रही, 21 विकेट माफ कीजिएगा
माफ कीजिएगा जी, हां तेरे सोचो 7 विकेट थे जी हां बिल्कुल, वो एक्चुअली किसी और का याद आ गया, 21 विकेट उन्होंने निकाले हैं और 8 की उनकी इकोनॉमी रही है, बहुत डेंजरस हो गए। मार्क वुड और हारिस राउत में टक्कर होगी कि कौन सबसे ज्यादा स्पीड से बॉल डालेगा इस वर्ल्ड कप। जी हां चलिए खैर अगली टीम की यहां बात करें यहां, तो अगली टीम के कौन से स्ट्राइक बॉलर्स आपने किया? बिल्कुल नीदरलैंड्स, नीदरलैंड्स जो कि बॉलिंग से उन्हें बहुत ज्यादा अपने आप को काम करना होगा। फ्रेड क्लासन 10 विकेट इस साल निकाल चुके हैं वहीं पर 6.5 की इकोनॉमी के साथ, लेकिन उन्हीं के साथ ही पॉल वैन मैकरेन जो उनके साथ नजर आएंगे बॉलिंग कराते हुए, 5 विकेट उन्होंने सिर्फ निकाले हैं 6.7 की इकोनॉमी के साथ। बिल्कुल, तो कहीं ना कहीं नीदरलैंड्स की हालत जो है खस्ता जरूर है, लेकिन देखना होगा कि ये बॉलर्स किस तरह से स्ट्राइक दिला पाते हैं अपने अपनी टीम्स को। अगली टीम की बात करें आप तो कौन? बिल्कुल बांग्लादेश, तस्कीन अहमद और शाकिब अल हसन। तस्कीन अहमद ने 5 विकेट इस साल निकाले हैं, शाकिब ने 5 विकेट सेम निकाले हैं और थोड़ी सी इकोनॉमी इनकी अंडर 8 रही है दोनों की ही, थोड़ा सा अपने आपको तस्कीन अहमद का काफी इंप्रेसिव परफॉर्मेंस जरूर हमें मिलेगा, ये डेली क्रिकेट जरूर आप यकीन करता है उन पर कि वो काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, बाकी कौन करेगा इसकी उम्मीद नहीं है। यूएई से लास्ट हम बात करें तो जुनैद सिद्दीकी, जी हाँ उनसे बहुत उम्मीद होगी, 5 पर हाल ही में उन्होंने निकाला है वार्म अप मैच में, और जहूर खान, जुनैद ने 13 विकेट निकाले हैं इस साल और जहूर ने सिर्फ 8 विकेट निकाले हैं क्योंकि उन्हें मौके ही इतने नहीं मिले हैं, लेकिन जितने भी मिले हैं उन्होंने इंप्रेसिव परफॉर्म किया है। बिल्कुल, तो ये कहीं ना कहीं 16 टीमों के स्ट्राइक बॉलर्स 32 जो हमने आपके सामने प्रेजेंट किए।